दोस्तों आज की कहानी है ननन जी। मैं तो सैन की नींद के लिए तरस गई हूँ। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँच सके हर नया वीडियो। तुम यहाँ सोने आई है या घूमने, जब भी देखो फुर्सत मिलते ही कहीं भी सिर टिका कर सो जाती हैं। बाहर का नज़ारा तो देखो, फिर कहोगी मैंने कुछ देखा नहीं। अंकित ने झुंझलाते हुए अपनी पत्नी रसना को कहा, नहीं कहूँगी कुछ भी और वैसे भी मैं तो आने को तैयारी नहीं थी, आप लोग जबरदस्ती। ले आए मुझे, मैं तो घर पर रहकर आराम करना चाहती थी पर आप सभी समझने को तैयार ही नहीं थे। रसना का गुस्सा भी आज फट पड़ा बहुत दिनों बाद। अब यहाँ भी शुरू हो गए दोनों, सुप हो जाओ कि तुम्हें पता है कि बहू को फुर्सत मिलते ही नींद आ जाती है। आई है हमारे साथ मीरा जी ने गुस्से में कहा, मम्मी ये तुम्हारी बहू है या चलती फिरती निद्रा रानी? जब भी देखो सोती रहती है, कभी भी उनके चेहरे पर ना खुशी देखी ना ही समक, उनके से बस आते जाते। कम से कम हमारा तो मूड खराब नहीं होता, रसना की ननन काव्या ने मुंह बिसकाते हुए कहा। दीदी वही तो मैं भी चाहती हूँ कि कब मेरी ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी और कब मैं सैन की नींद सो पाऊँ। आप लोग कहते हैं कि मैं सारा दिन उपासियाँ लेती रहती हूँ और मेरे चेहरे पर खुशी और चमक नहीं है, परंतु ये सब क्यों है वह जानने की कोशिश की किसी ने। मम्मी जी आए दिन मुझे सुनाते रहते हैं कि मैं तुम्हारी उम्र की थी तब क्या क्या काम करती थी, परंतु मम्मी जी वह बात भूल जाती हैं कि आप सभी संयुक्त परिवार में रहते थे तो काम का बोझ इतना नहीं होता एक इंसान पर। यहाँ तो पानी का गिलास तक हाथ में देना पड़ता, सब आराम करे पर मजा ले कि मैं सैन से दो निवाला भी खाऊं। सुबह 4 बजे से रात में 12 बजे तक मैं एक पैर पर खड़ी होकर सबके नखरे उठाती हूँ। कभी कभी तो थकान इतनी हो जाती है कि मुझे नींद भी नहीं आती। मम्मी जी को किसी काम वाली बाई का काम कुछ मुझे ही करना पड़ता है। यहाँ तो सब ठीक है परंतु वे तो बाहर से लाए चिप्स पापड़ या मिठाई तक को भी हाथ नहीं लगाती, तो उनके लिए मुझे सब घर पर ही बनाना पड़ता। साथ में 2 छोटे बच्चों को भी संभालने में किसी की मदद भी नहीं मिलती। मैं तो सैम की नींद के लिए गई हूँ दीदी, अगर ईश्वर या जिन भी आकर मेरी ख्वाहिश उसे तो मैं यही कहूँगी कि मुझे सैन से सोने को मिले और मेरी नींद पूरी हो। कहते कहते रसना रो पड़ी और उसकी हिस्की बंद गई। काव्य और मीरा जी ने नजरे नीचे झुका ली और अंकित ने गाड़ी को साइड में रोका। पहले रसना को शांत कर पानी पिलाया और उसका हाथ थामे हुए कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश आज पूरी करूंगी, आज रात तुम जल्दी सो जाओगी, कल सुबह जल्दी नहीं उठोगी और बच्चों को रात में मैं देखूंगा, अब से तुम्हें यूं नींद के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। रसना ने आंसू को पोसा और अंकित के हाथों को